सो आज हम देख रहे हैं पैकेजिंग इन सॉलिड, और पैकेजिंग इन सॉलिड में हम फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे और वो है वन डायमेंशन, और वन डायमेंशन इसको लीनियर पैकेजिंग भी बोलते हैं. सो आई एम राइटिंग हियर लीनियर पैकिंग, लीनियर पैकिंग. और ये होगा हमेशा इन वन डायरेक्शन या वन डायमेंशन. सो हम लिखेंगे इन वन डायमेंशन या डायरेक्शन में लिख सकते हो. ओके, सो लीनियर पैकेजिंग का मतलब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा इन अ स्ट्रेट लाइन ओनली. अब वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है. सो द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टेंट पार्टिकल्स, आई एम राइटिंग हियर, व्हेन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल when particles particles in when particles of solid arranged in one dimension only one डायमेंशन ओनली इज कॉल्ड एज लीनियर पैकिंग. लीनियर पैकिंग, ठीक है. एग्जाम्पल मैं अरेंजमेंट दिखा रहा हूँ पार्टिकल्स का, जैसे पार्टिकल है और वो एकदम स्ट्रेट लाइन में अरेंज है, ठीक है. इसी को हम बोलते हैं लीनियर पैकिंग, ठीक है. सो दिस इज द लीनियर पैकिंग, लीनियर पैकिंग. अब इस लीनियर पैकिंग में एक बात देखने वाली है, अगर हम टर्मिनल पार्टिकल को छोड़ देते हैं, ये जो टर्मिनल पार्टिकल है अगर हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी एक पार्टिकल को चेक कर लो, वो दूसरे और दो पार्टिकल से अरेज अटैच्ड है. अगर हम इसकी बात कर रहे हैं इस वाले पार्टिकल की, तो इधर एक से अटैच है, इधर दूसरे से अटैच है. इसकी बात कर रहे हैं तो इधर एक से अटैच है, इधर दूसरे से अटैच है, ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हर एक पार्टिकल, अगर हम टर्मिनल पार्टिकल की बात छोड़ दे, टर्मिनल पार्टिकल की बात अगर छोड़ दे, तो पार्टिकल का अरेंजमेंट ऐसा है कि यहाँ पर एक पार्टिकल दो और दूसरे पार्टिकल के कॉन्टेक्ट में है ना. इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, हम इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर. सो लीनियर पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वो कितना रहेगा, टू. So I'm writing here in linear packing of particles in solids have coordination number two, coordination number टू. याद रखना ऐसा coordination number कितना होगा, टू होगा. क्या होता है coordination number, it is a number of particle attached to the central atom, ठीक है. ये suppose central atom या center particle है, इसको जितने particle attached है वो उसका coordination number होगा. तो इधर एक से attached है और इधर दूसरे से attached है, तो इसका coordination number हो गया टू. मैं आप लिख देता हूँ, what is coordination number means, the number, okay, the coordination number is the number of particle attached to central particle, कोई भी central particle ले लो. आप इसको ले लो तो इसके साइड में दो particle है, इसको ले लो इसके साइड में दो पार्टिकल है, इसको ले लो इसके साइड में दो पार्टिकल है. किसी को भी अगर आप सेंटर पार्टिकल ले रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ टर्मिनल कार्बन एटम को छोड़ के, एटम को छोड़कर, पार्टिकल को छोड़कर, किसी भी पार्टिकल को देख लो वो दूसरे और दो पार्टिकल से अटैच है. इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा. तो याद रखना लीनियर पैकेजिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर हम इसको शॉर्ट में सी एन से रिप्रेजेंट करते हैं. सी एन इसके लिए क्या होगा, टू होगा, ठीक है. इतना क्लियर.
समझ में आया बेटा इतना? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब हमने ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ये हमने अलोंग विथ एक्स एक्सिस किया है, तो पार्टिकल का अरेंजमेंट किसी भी एक एक्सिस में होगा, वेदर एक्स एक्सिस होगा और वाई एक्सिस होगा या जेड एक्सिस होगा, ठीक है? सो इन लीनियर पैकिंग अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल टेक्स प्लेस ओनली इन वन डायमेंशन, ओनली इन वन डायमेंशन। अब वो एक्स एक्सिस भी हो सकता है, वाई एक्सिस भी हो सकता है, जेड एक्सिस भी हो सकता है। इधर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है, किसी भी एक एक्सिस में होगा, या तो एक्स एक्सिस में होगा या वाई एक्सिस में होगा या जेड एक्सिस में होगा, किसी भी एक डायमेंशन में अरेंजमेंट रहेगा। सो दिस इज अबाउट लीनियर पैकेजिंग इन वन डायमेंशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। सो यहाँ पर जो पार्टिकल का अरेंजमेंट दिख रहा है ना, ये पार्टिकल है, और पार्टिकल को हमने कंसिडर किया है कि वो कैसे है, स्फेरिकल शेप में, स्फेरिकल शेप में है, ठीक है, हमने ऐसा कंसिडर किया है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पार्टिकल कैसे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज है ना, इसी को हम बोलते हैं लीनियर पैकिंग, ठीक है। यहाँ पर एक जो पार्टिकल होता है वो दो और दूसरे पार्टिकल से अटैच होता है। अगर हम रेड वाले पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो ये और दो पार्टिकल से अटैच है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, है ना, इसलिए यहाँ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, टू होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेट लीनियर पैकिंग, ठीक है। तो लीनियर पैकिंग में आपको सिर्फ दो चीजें याद रखना है, फर्स्ट कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर टू होता है, और पार्टिकल का अरेंजमेंट किसी भी एक एक्सिस के अलोंग हो सकता है, वेदर इट इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। सो दिस इज ऑल अबाउट द लीनियर पैकिंग इन सॉलिड। ओके, सो नाउ अगेन वन मोर टाइम टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी आर गोइंग टू मूव फर्दर टुवर्ड द टू डायमेंशनल पैकेजिंग। टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा एवरीवन। आशुतोष टेक अ स्क्रीनशॉट। डन? यस सर। यस सर। ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द लीन पैकेजिंग इन टू डायमेंशन। हम इसको प्लानर पैकिंग भी बोलते हैं। सो लेट मी राइट सेकंड, प्लानर। प्लानर पैकिंग, और इसको हम टू डायमेंशनल पैकिंग भी बोलते हैं। टू डायमेंशनल पैकिंग, ठीक है, मुझे इसके लिए एक डायग्राम लेकर आ रहा हूं मैं, वेट अ सेकेंड।
सराज मैथ से क्या? हाँ सर से बात किया कल, आज से पढ़ाना शुरू करता हूँ। बोले अच्छा चालू हो गया, प्रैक्टिस वैक्टिस सब हो गई, उन्होंने क्लास भी ली है कल। हाँ कितने बजे से? मैं आपके नहीं लिए, वो प्रणय है ना, प्रणय 12th क्लास का स्टूडेंट, उसको पढ़ाया हूँ मैं प्रैक्टिस के लिए कि जम रहा है कि नहीं जम रहा करके, ऐसा। ठीक है हाँ, तो हम अभी देख रहे हैं 2D पैकिंग। ओके सो लेट मी स्टार्ट द रिकॉर्डिंग।